आउज़ु बिल्लाह मिन शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे और ठीक होंगे। और आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ गाजर का हलवा। और ये सर्दियों की एक सौगात होती है, तो मैं बना रही थी तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर की जाए। बहुत छोटी सी रेसिपी और झटपट बन जाता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं हम करेंगे इसे। और चलिए मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। और सबसे पहले हमारे पास यहाँ गाजर है। ये गाजर मैंने क्रश करके रख ली थी और इसको मैंने स्टीम दे ली थी, मतलब बॉईल कर लिया था, इसका पानी खुश कर लिया है। ये 3 किलो गाजर मैंने लिए, लेकिन यहाँ मैंने कम शो किए सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए। 3 किलो गाजर के इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है। साथ हमारे पास यहाँ चीनी है। चीनी भी हमें 3 किलो गाजर में 3 कप चीनी ऐड करनी है। बाकी आप अपने टेस्ट के मुताबिक मीठा कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो। साथ ही हमारे पास यहाँ खोया है, ये हमने 1 किलो करीब खोया लिया है। और साथ ही हमें यहाँ घी चाहिए। आप देसी घी भी ले सकते हैं, इट्स अप टू यू। आप या कोई और आपको पसंद है तो आप वो भी ले सकते हैं। हमने यहाँ पर ड्राई फ्रूट में यहाँ हमने लिया हुआ है अखरोट। और साथ ही हमारे पास बादाम है जो हमने क्रश कर लिया। और इसके साथ ही हमने इलायची, जो आप इलायची पाउडर फॉर्म में ले लें या इस तरीके से ले लें, कोई मसले की बात नहीं है। मैंने इसी तरह से लिया, आप पाउडर करना चाहते हो पाउडर भी कर सकते हैं। और हमें यहाँ पर दूध की ज़रूरत है। तो ये हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं। आप इसके बाद हम इसकी प्रिपरेशन करते हैं और आपको दिखाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, हमने यहाँ फ्लेम ऑन कर लिए। और साथ ही ये जो मैंने आपको सिर्फ जस्ट शो किया था, तो ये हम इसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास इसका हमने ना पानी खुश कर लिया है, ठीक है। अगर मैं ये सारा प्रोसेस आपको दिखाने लगती ना तो मेरी वीडियो बहुत बड़ी हो जाती। तो ये तो सब कॉमन सी बात है, सबको पता ही होता है कि गाजर का हलवा बनाने के लिए गाजर को क्रश करना पड़ता है। तो यहाँ मैंने आधा काम कर लिया है। अब हम इसमें 2 चमचे घी ऐड करते हैं। घी ऐड करने के बाद हम फ्लेम को थोड़ा सा स्लो करेंगे और इसको मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चलिए देखिए, हमने इसको घी डाल के थोड़ा सा भून लिया है। अब इसमें हम थोड़ी सी इलायची अभी डालेंगे और थोड़ी सी इलायची हम बाद में डालेंगे, ठीक है। इलायची डाल के भी हम इसे मिक्स करेंगे। अब हम इसमें 1 कप चीनी अभी ऐड करेंगे। और 1 कप चीनी हम थोड़ी देर बाद ऐड करेंगे। इस सब अब हम इसे अच्छी तरीके मिक्स करते हैं और फिर थोड़ी देर बाद हम इसकी कंडीशन आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, हमने गाजरों में जो है इलायची और चीनी डाल के अच्छी तरीके से उसको भून लिया है। अब हमारे पास सेकंड स्टेप ये आता है कि हमने यहाँ 1 किलो दूध लिया है और हमने इसको फुल फ्लेम पे रख दिया है और हम इसे अच्छी तरीके से गाढ़ा होने देंगे। और साथ ही हम इसमें जो है ये इलायची है ये ऐड कर देते हैं और इसे खूब अच्छी तरीके से पकने देंगे। जब ये अच्छी तरीके से पक जाएगा और दूध की क्वांटिटी थोड़ी कम हो जाएगी, तो हम इसमें ये हाफ़ खोया जो है, हमारे पास खोया जो रखा हुआ है, हम हाफ़ खोया इसमें ऐड करेंगे और हाफ हम ऊपर टॉपिंग के लिए रखेंगे। तो अब हम वेट करते हैं कि हमारा दूध अच्छी तरीके से गाढ़ा हो जाए और हम इसमें फिर खोया ऐड करेंगे। फिर आपके पास दोबारा हाजिर होते हैं, इसकी कंडीशन दिखाते हैं कि इसकी अब कंडीशन कैसी है खोया ऐड करने के बाद, ठीक है। अच्छा जी, ये देखिए, हमने ये दूध बॉयल करने के लिए रख दिया था और ये यहाँ था। ये अब देखिए पक पक के इसकी क्वांटिटी कम हो गई है। अब हम इसमें खोया ऐड करते हैं, फ्लेम हम कम कर देते हैं और इसमें हम खोया ऐड करते हैं थोड़ा थोड़ा, ठीक है।
ठीक है, बस हम ये खोया इतना ऐड करेंगे, खोया ऐड करके हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद जब हमारा ये हलवा रेडी हो जाएगा ना, तो हम उसमें मिक्स करेंगे इसको, ठीक है। जब हम मिक्स कर रहे होंगे तो हम आपको दिखाएंगे। इसको मैं थोड़ी देर और पकाती हूँ और फिर आपको इसकी कंडीशन दिखाती हूँ। थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा सा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, ये देखिए हमने ये अच्छी तरीके से गाजरें भून लिए घी में, इलायची में, चीनी में, बिल्कुल फाइनल लुक ये है। और साथ हमने वो जो दूध में ये पका के रखा था, ठीक है, अब हम इसमें ऐड करते हैं। ये खोया था, इसमें इलायची थी और 1 किलो के करीब दूध था। हमने इसको मिक्स किया, मतलब बहुत ज़्यादा पकाया, गाढ़ा हो गया, और इसमें थोड़ा सा खोया ऐड किया था। अभी हम इसमें ऐड करते हैं, ठीक है। ये देखिए हमने सारा खोया इसमें ऐड कर लिया, इसे अच्छी तरीके से मिक्स करते हैं, ठीक है। ये देखिए अच्छी तरीके से मिक्स हो गया। आधे बादाम हम अभी डालते हैं और आधे बादाम हम बाद में डालेंगे, ठीक है। अखरोट हम नहीं डाल रहे क्योंकि हमारे यहाँ कुछ लोग अखरोट पसंद करते हैं, कुछ नहीं करते। हम जस्ट गार्निशिंग में रखेंगे, आपके ऊपर है, आप अखरोट डालना चाहें तो वेल एंड गुड। इसमें जितना ड्राई फ्रूट डालें आपकी मर्जी है, ठीक है। चलिए ये देखिए हमारा हलवा बिल्कुल रेडी है, हम इसको डिश में निकाल लेते हैं, ठीक है। हम इसे डिश आउट कर लेते हैं और फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। साथ ही हमारे पास कुछ बादाम है, बादाम की टॉपिंग करेंगे, थोड़े बहुत अखरोट है, ठीक है, और हमारे पास खोया है। ठीक है, हम टॉपिंग करते हैं फिर आपके सामने हाजिर होते हैं। अच्छा जी, ये देखें फाइनली हमारा गाजर का हलवा बिल्कुल रेडी है और हमने डिश आउट कर लिया और ये आपके सामने हाजिर है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जो लोग यहाँ नए हैं, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए। इसी तरह से मैं आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपीज़ और अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाती रहूँगी, लेकिन उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। मैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।